अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप ने सीओ लेवल के अधिकारियों की बैठक ली और उनसे कानून व्यवस्था के साथ साथ नशे से जुड़े मुकदमों पर भी चर्चा की गई। अजमेर एसपी कुंवर राजदीप ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यालय द्वारा दिए गए संदेशों को अधिकारियों तक पहुंचाया गया है, वहीं और पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अजमेर में चल रहे नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए विभिन्न कार्रवाइयां जारी हैं। दरगाह व पुष्कर इलाके में नशे का सेवन करने व तस्करी करने की गतिविधियां अधिक होती हैं, जिन्हें जागरूकता के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। ऐसे में अपराध करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है, जिससे कि अजमेर में नशे को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन आशा अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई की गई थी और बच्चों को भी मुक्त कराया गया था। इस तरह की गतिविधियां लगातार जारी रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज सभी सीओ साहिबान और एडिशनल एसपी के साथ में क्राइम मीटिंग थी, जिसमें कि उनके सर्किल में क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की अनुसंधान में क्या स्थिति है, प्रेगनेंसी की क्या स्थिति है। तो एक तरह से हमारी जो मंथली क्राइम मीटिंग होती है, उसको ही हमने सर्किल लेवल पर, ताकि सर्किल के जो हमारे अधिकारी हैं वो वापस जा कर के अपने थानों को और बेटर मॉनिटर कर सकें, उस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए हैं और जो आंकड़े हैं उनके उन आंकड़ों पर चर्चा की। देखिए, नशा मुक्ति के लिए हम लगातार ही चला रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं बार बार, और कार्रवाइयाँ भी जो है पिछली बार से कहीं अधिक कार्रवाइयाँ हमने इस बार भी की हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्कर और दरगाह में नशे का ट्रेंड है, और वो ट्रेंड कहीं ना कहीं जागरूकता के माध्यम से ही कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई करने की अपनी सीमाएँ हैं। जो लोग नशा कर रहे हैं, हम उन्हें बार बार उनके बीच जा करके उन्हें समझाने के प्रयास भी कर रहे हैं। जो नशे का ये व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। तो दोनों तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नशे पर कंट्रोल किया जा सके। ऑपरेशन आशा में अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें मुकदमे भी दर्ज किए हमने ऐसे लोगों के विरुद्ध जो कि किसी भी तरह से बाल श्रम करवा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू भी कराया गया।